गरीबी, भूखमरी, महंगाई से जीना हुआ मुहाल, लेकिन आम जनता को राहत के नहीं दिखते आसार, क्योंकि भ्रष्टाचार ने रोक रखी है देश के विकास की रफ्तार। आम आदमी को उसकी ताकत वापस दिलाने के लिए और बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए देश ने की सशक्त जन लोकपाल की मांग। लेकिन सारी पार्टियां मिली हुई हैं, कोई सख्त लोकपाल बिल नहीं चाहता है, तो कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इस लोकपाल बिल को पारित कराने में वो कौन लोग हैं जो रोड़ा अटका रहे हैं? संसद में सशक्त बिल कैबिनेट से आता है, लेकिन वर्तमान कैबिनेट में लगभग आधे मंत्री दागी हैं। 34 मेंबर के मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 15 जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं, उनके खिलाफ बहुत संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सिर्फ सांसदों पर ही नहीं, प्रधानमंत्री पर भी हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अपने प्रधानमंत्री की हम बहुत इज्जत करते हैं। जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, उस वक्त इतने ज्यादा घपले हुए कोयला मंत्रालय के अंदर और प्रधानमंत्री के दफ्तर से हुए। हम तो यही कह रहे थे भाई, इंडिपेंडेंट जांच करो। अब कल अन्ना जी ने कहा अपने बयान के अंदर कि ये प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट जांच से क्यों डर रहे हैं, ये कहते हैं मैं ईमानदार हूं, मैं गद्दी छोड़ दूंगा अगर, तो जांच तो करा लें। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सांसदों से सशक्त लोकपाल की उम्मीद करना बेमानी है। इतने बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी फैसला आरोपियों के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि खामी अदालत के फैसलों में नहीं बल्कि जांच प्रक्रिया में है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ मामला इतना कमजोर बनाया कि अदालतों को उनके पक्ष में फैसला देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बार बार हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट न्याय सुनाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी बेबस है। फिलहाल हमारी जांच की प्रक्रिया ऐसी है कि या तो मंत्री खुद ही कह देते हैं कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, अनइन्फॉर्म्ड एलिगेशंस एंड डिस्कशन बेस्ड ऑन लीक ड्रॉप आर अनफॉर्चुनेट एज रिगार्ड्स द अदर 14 कोलीग्स ऑफ माइन, आई वुड ओनली से दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इररिस्पॉन्सिबल एलिगेशंस आर बीइंग मेड विदाउट कंफर्मिंग द फैक्ट्स। द अटैक on the Prime Minister, who has got impeccable integrity, who is a very clean person, who wants to the country to march forward, and these people are doing what they are doing is anti-national act. या तो आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देकर नकार दिया जाता है, या फिर आरोपी मंत्रियों के अधीन एजेंसियों को ही जांच का जिम्मा सौंप दिया जाता है और नतीजा अगर हमारे देश के प्रणब मुखर्जी, चिदंबरम साहब, कमलनाथ, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार अगर भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो कौन सी निष्पक्ष एजेंसी उसकी जांच कर सकती है? लोकपाल बिल तब तक नहीं आएगा जब तक संसद और हमारे मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण नहीं होगा। देखिए, लोकपाल आप बना नहीं रहे, सीबीआई आपके कंट्रोल में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके कंट्रोल में, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज आपके कंट्रोल में है। स्पेशल जांच दल बनाया जाए और ये स्पेशल जांच दल इन 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार की 6 महीने के अंदर जांच पूरी करे। कितने पार्टी अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई के मामले चल रहे हैं? मुलायम सिंह जी हैं, जयललिता जी हैं, मायावती जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, ये सारे भी मामले सीबीआई से लेके इस स्पेशल जांच दल को सौंपे जाएं। देश भर में सफिशिएंट नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, ताकि जो जो पेंडिंग मामले हैं एमपीज के खिलाफ, ये 6 महीने के अंदर पूरे किए जाएं। हमारी एक और मांग है, मन्ना के ऊपर जितने आरोप आज तक लगे हैं वो सारे आरोप भी स्पेशल जांच दल को सौंपे जाएं, और जो कानून में आम आदमी के लिए सजा है उससे डबल सजा हम लोगों को दी जाए। देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा एक देशव्यापी आंदोलन करने के सिवा। भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, तो अब ये आर या पार की लड़ाई है। अगर सरकार 24 जुलाई तक नहीं करती है तो 25 जुलाई से एंशन होगा।
जब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होगा, लोकपाल बिल नहीं बनेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। शरीर में प्राण है।